तो स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम नितेश गिरला और आप देख रहे हैं नितेश गिरला ब्लॉग। तो आज फिर से आपको लोकेशन परसों वाले ब्लॉग की दिख रही होगी। तो आज फिर से जा रहे हैं हम लकड़ियों के लिए ऊपर जंगल में। कल रेस्ट था, कल नहीं गए और आज हमारे साथ दो मेहमान हो रहे हैं। ये रे दो मयंक और गोलू। अभी चलते हैं ऊपर जंगल की ओर। एक को तो थकान लगी यहाँ पे, एक को थकान लगी यहाँ पे, इसको पानी की बोतल भी है इसके पास 2 लीटर की। भाई हम सारे लोग गर्म पानी पीते हैं तो घर से गर्म पानी लाया हुआ हमारा, क्योंकि जंगल में जाते जाते चढ़ाई पे पसीना आप देख ही रहोगे निकल जाता है। फिर वहाँ पे काम भी करना है, लकड़ी फाड़नी है, फिर वहाँ पर पसीना आ जाता है और प्यास लग जाती है, तभी निकलते हैं सब। और इतने सारे इन सब के पास मैंने लकड़ी फाड़ के देनी है, 1, 2, 3, 4 और एक में 5, ये किसी काम की नहीं है, ये बस भीड़ बढ़ाने के लिए हमारे साथ। तो अभी यहाँ पर आते ही हालत ख़राब हो गई है, इसलिए घर से 2 लीटर की पानी की बोतल रखी हुई थी हमारी। अभी थोड़ा यहाँ से हवा रह गया, थोड़ा ऊपर हवा जाना है अभी, लेकिन पहले पानी पीते हैं। ये हैं जंगल जाने वालों के हाल। आज रास्ते में हालत ख़राब हो गई है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है वैसे। अभी देखिए पानी भी खत्म होने को आया है और 3 जो गट्ठे हमने फाड़ दिए हैं, एक ये रहा यहाँ पे और एक ये वहाँ पर रहा और एक अभी यहाँ पे नीचे पड़े हुए, अभी लगाए नहीं ये, और ये भी लगे हुए हैं। और हाथ पे यहाँ आप देख सकते हैं कि छाले भी आ गए हैं यहाँ पे, और इनमें जब फूटेंगे काफ़ी दर्द होगा, इनमें पानी भर जाता है अंदर से, तो काफ़ी दर्द होता है। अभी कुल्हाड़ी भी नहीं लग रही ढंग से। इन दो को हम बिगाई ले गया है अपने साथ, 3 आदमी के, नहीं तो हो गया था अब तक हम घर निकल जाते। अभी 2 आदमी के लिए और काटना है, लेकिन जो लकड़ियाँ हैं फट ही नहीं रहे हैं अभी है। और ये यहाँ पे सुस्ताई निकाल रही खाली, इसका काम कुछ है नहीं। ये घर से पानी लेके आती है और जंगल से लकड़ी लेके जाती है, बाकी ये दिन भर बैठी रहती है यहाँ पे। जी हाँ फाड़ क्या काम गोल पवा कभी मैं चिकन भी वो तो नहीं फाड़। चलो इन चीज़ें हो, अभी और लकड़ियाँ फट नहीं रही है, अभी ऊपर देखते हैं। एक कुल्हाड़ी भी काम की नहीं है हमारे पास, और आदमी भी काम के नहीं है, थक गए हैं आदमी भी, क्योंकि सारी लकड़ियाँ मैंने ही फाड़ी हैं और थोड़ा बहुत गोलू ने फाड़ी है और उसने जो बारीक बारीक किए हैं। अभी यहाँ ऊपर देखते हैं कोई निकलती है अच्छी अच्छी लकड़ी तो उसको काटते हैं। 2 आदमियों के लिए अभी और है, तो अभी निकलते हैं घर की ओर। टाइम हो गया 11:30, कल तक हम निकल चुके थे घर, लेकिन आज हमने 2 जो गट्ठे हैं जो भारी है वो आस्टा गाड़ी, एक इसके लिए और एक इसके लिए, इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की आज, और ये कल की तरह कामचोर की कामचोर बनी रही। इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की आज हमारे साथ। और मेरा ये रहा यहाँ पे गट्ठा, ये मम्मी का है, ये इसका, ये गोली का है। तो निकलते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि थकान तो आज पूछो मत बहुत ज़्यादा लग गए। और ये हाथ पे यहाँ पे तो ये बहुत टाइम बाद हम ये कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी पकड़ते हैं तो ये हाथ कोमल रहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये बन जाते हैं। और ये फूट भी ऐसी, इसके अंदर से पानी भी निकल गया, और एक यहाँ पे ही बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हार्ड है यहाँ पे वहाँ से। अरे तुम्हें बाहर होना करा लगाई होगी जो बेट होगी नहीं होने। तो ये रख दिया हमने लकड़ी का गट्ठा पीठ पे और निकलते हैं घर की ओर। और ये काफ़ी भारी हो रहे हैं आज, तो परसों के मुकाबले जो है आज बहुत भारी हैं लकड़ियाँ, क्योंकि इनके अंदर मेरे को लग रहा है पानी घुसा हुआ है। अरे भाई साहब, वैसे लकड़ियाँ काट काट के आफत आ गई, और ऊपर से इतनी भारी लकड़ियाँ। तो ये भी आगे पीछे से खाली बोतल लेके, पानी की बोतल जो 2 लीटर की है, पानी खत्म हो गया है। और हम निकलते हैं अभी
मेरे को लग नहीं था कि रास्ते में ब्लॉक हुआ, वैसे ही चला ही नहीं जा रहा है, इसलिए मैं अभी कैमरे में देख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को रास्ते पर नज़र रखनी है। अगर मैं गिरा तो गया, क्योंकि कल तो मैं दो बार वैसे ही गिर चुका था और ये इनको लग गई थकाई यहाँ पे आते आते। गोल में जरा सिर तो आ जाए डे टू और आज फिर जा रहा जंगल में लकड़ियों के लिए, क्योंकि शाम के टाइम जो है घर में कुछ भी काम नहीं होता करने के लिए और मॉर्निंग को भी कुछ काम नहीं होता है, इसलिए हम जंगल में चले आते हैं। तो ये पहुंच गए अपनी पुरानी वाली लोकेशन पे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। हमको लगा कि नीचे से आवाज़ आ रही थी तो हमको लगा यहाँ पे कोई है, लेकिन थोड़ा ही ऊपर है यहाँ पे कोई दूसरा काट रहा लकड़ी। और हमारे साथ है गोलू गोली, हमारे भाई को चैनल को सब्सक्राइब करा है। मज़ा नहीं आए। और हमारे साथ है प्रभात, कल इसका भाई था और आज ये है, देखते हैं कितनी लकड़ियाँ काटते हैं आज हमारे साथ। तो आज यहाँ से शुरुआत करते हैं, कल नीचे काटा था हमने क्योंकि नीचे ख़त्म हो गया, आज यहाँ से करते हैं शुरुआत। अगर काट पाते हैं तो हम काटते हैं, नहीं तो हमारे साथ पहलवान है एक, ये पीछे रहा। तो अभी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है लकड़ी काटने की और हमने वीडियो भी अपलोड कर दी है, हमने शेड्यूल पे लगा दिया 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, आपने देख ली होगी वैसे कल की वीडियो, कापल वाली वीडियो है वो, अभी बस उसका टाइटल था वो डाल दिया है और वीडियो शेड्यूल कर दिया है 9 बजेंगे और वीडियो अपलोड हो जाएगी। जब आप कापल वाली वीडियो देख लेंगे तब हम यहाँ पर लकड़ियाँ काट रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा। रोटी आज इसकी रोटी भी ला रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करता है जंगल में, ये बोल रही थी रोटी मत भी खाए रोटी किधर सब्जी है आलू की और आज लकड़ी हम थोड़ा भी नहीं फाड़ पाए, यहाँ पे रखी है लकड़ियाँ यहाँ पे, क्योंकि आज कुल्हाड़ी भी ख़राब हो गई है, दोनों के जो हत्थे रहते हैं हैंडल वो टूट गए हैं और लकड़ी फट भी नहीं रही है, छोटी सी हमारे पास कुल्हाड़ी है वो फाड़ ही नहीं रही लकड़ी को, जो परसों तक हल्की फुल्की सूखी हुई लकड़ी थी वो तो काट रहा था लेकिन आज थोड़ा सा कच्ची है, हमारा पेड़ तो टूटा हुआ पुराना हल्का फुल्का कच्चा है वो, उसको नहीं फाड़ पा रहा, आधा सूखा हुआ आधा कच्चा पेड़ है ये, यहाँ ऊपर से टूटा हुआ ये, यहाँ नीचे तो आ रही है, यहाँ नीचे गिरा वो धोबी हो रही है, अब भूख भी लग रही है तो रोटी खाते हैं उसके बाद आपको मिलते हैं। तो अब निकलते हैं फाइनली घर की ओर, आज थोड़ा भारी है, कल से भारी है आज और चुप भी रहे हैं पीठ पे क्योंकि अभी ढंग से लगा नहीं है कुछ क्या होता है लकड़ियाँ सेम नहीं रहती, वो थोड़ा अंदर बाहर रहती है तो इसलिए थोड़ा चुप ही जाता है। और ये रहा मम्मी का बारा, यहाँ पे ये घास के सामने दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये रहा रास्ता तो रात को हो गए, तो अभी जंगल से भी आ गए, अभी सीधे खाना खाना शुरू करते हैं क्योंकि भूख लग गई है और जो हमारी कल की लकड़ी लाई हुई है यहाँ पे रखी हुई है हमारी, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे खाली हुआ था एकदम आराम ले आए लकड़ी, तो अभी खाना खाते हैं। दाल बनी है आज चौंसा बना हुआ है और ये राजमा का चौंसा है, राजमा को मिक्स में जो है कि भट का चौंसा है और इस पे छास इसको करते हैं इसमें मिक्स, चटनी भी दी है चटनी कुछ ज्यादा पतल बना है मजा।
अभी दिन से जो खाना खाने के बाद अभी सीधे आपको अभी छांछ करने के लिए सीधे मिल रहे हैं, अभी सीधे मिल रहे हैं आपको छांछ करते टाइम। अभी यहाँ पे छांछ हो रही है, मैं जो मक्खन निकालने की प्रक्रिया हो रही है अभी वही हो रही है। तो अभी ये करते हैं, आपको सीधे लास्ट में मिलते जब मक्खन निकल जाएगा, क्योंकि आपको डेली डेली क्या दिखाना है। बस अभी लगे हुए हमें सुबह में, सुबह से जो है कि हाथ में जो लकड़ियाँ काटी हैं सुबह से, अभी भी हाथों में दर्द हो रहा है, और ऊपर से छांछ भी करनी है। अभी छांछ करते हैं, उसके बाद आपको मिलता है मक्खन, दिखाते हैं लास्ट में आपको। तो अभी छांछ भी कर दिया और खाना खा गया, हमने रूम में भी आ गया। अभी बस वीडियो ऐड करते हैं और आपको मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी फायर लाइफस्टाइल ब्लॉग देखने के लिए। तो आपको मिलते हैं फिर किसी दूसरे फायर लाइफस्टाइल ब्लॉग में।